हेलो यूट्यूब, दिस इज साज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक मोटो व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि है अनबॉक्सिंग पे डेविल आई बैग की। तो ये मोटर बाइक बैग है, कह सकते हैं आप नॉर्मली भी पीपल यूज करते हैं, पर अगर मोटर बाइक पे आप इसे यूज करें तो बहुत ही ऑसम लगता है, स्पेशली रात में। तो जैसे कि आपने कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे, आजकल ये चल रहा है डेविल आईज, दो आईज सी ब्लिंक करती हैं ऐसे ऐसे, और पीछे ब्लैक कलर का बैग होता है। तो मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम खोलते हैं इसे, देखते हैं हमें बैग कैसा व्यू आता है। तो ये इसके साथ आपको बैग आता है, इसे कर लेते हैं अनरैप। और ये एक और बैग है जिसके अंदर ये है, जिसे आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं हमारे इस बैग को। तो ये आ गया है हमारा डेविल आई बैग। तो जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे दो आईज मिल सकती हैं, और जो इसका व्यू है एकदम कार्बन फाइबर टाइप, मतलब ऑसम यार, ब्यूटीफुल शाइन कर रहा है। ये ग्लॉसी सा है, बहुत ही मतलब प्रीमियम लुक आ रहा है इसका, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा बैग है और साइज भी काफी बढ़िया है। तो देखते हैं अंदर, और इसका पीछे से आप देखें तो ये भी काफी प्रीमियम है, मतलब नॉर्मल बैग होते हैं ना उनकी स्टिचिंग होती है वगैरह, तो काफ़ी अच्छे से मतलब बढ़िया है इसकी क्वालिटी बहुत ही देखने में। तो यहाँ से इसे खोलते हैं, ये तो ये खुल के आपका स्पेस आ गया है बैग का। यहाँ पे आईज है, और जो सर्किट है स्क्रीन का वो यहाँ पे है, एक राइट में एक लेफ्ट में। और ये यहाँ पे आपके और भी स्पेस है, जैसे लैपटॉप वगैरह आपको रखना हो तो लैपटॉप वगैरह। यहाँ बारकोड दिया हुआ है, इस बार कोड्स को आप स्कैन करके अपने फोन से इसे एप्लीकेशन से अटैच कर सकते हैं। तो ये तो था बैग का लुक, इसमें और भी स्पेस है मतलब आप देख सकते हैं। और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं पावर बैंक लगा के। तो हाँ, इसके साथ पावर बैंक नहीं आता, यहाँ पे आपको केबल मिलती है, आपको पावर बैंक में प्लग करनी है और पावर बैंक को यहाँ पॉकेट में रख लेना है और उस बैग को ऐसे बंद कर देना है। इसके सर्किट को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने ये पहले ही अनजिप है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इसका सर्किट है यहाँ पे स्क्रीन का, और नीचे इसका छोटा सा और सर्किट है, पीसीबी लगा हुआ है जैसे मदरबोर्ड टाइप, जहाँ से फंक्शन है। और इसी के साथ ही जो ये केबल है पावर बैंक के लिए, पावर केबल यहाँ पे अटैच है। तो इसे आप बेटर है ज़्यादा ना ही टच करें, और इसे ऐसे आप बंद भी कर सकते हैं अंदर से, ताकि ये सिक्योर्ड रहे। तो ये बंद हो गया, अब इसे रख लेते हैं यहाँ, और इसे हम कर देते हैं बंद, और इसे अब हम पावर लगा के देखें, पावर बैंक लगा के देखते हैं कि आईज कैसी होती हैं, कैसे ब्लिंक करती हैं, क्या व्यू आता है। आई थिंक मेरा पावर बैंक नहीं चल रहा है, तो चलिए अब सीधा इसे पावर से प्लग करते हैं और ऑन करके देखते हैं। अडैप्टर मैंने यहाँ लगा दिया पावर पे, ये हो गया है ऑन। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि लाइट ऑन हो गई है और स्क्रीन भी ऑन हो गई है, और ये देखिए आंखें कैसे ब्लिंक कर रही हैं। तो अभी हम इसे फोन से कनेक्ट करते हैं, और मैं आपको गोप्रो के व्यू से दिखाता हूँ, हेलमेट पहन के गोप्रो लगा के गोप्रो में रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी, देखते हैं कैसा व्यू आता है, और हम एप्लीकेशन भी ऑपरेट करेंगे साथ के साथ भी, क्या खोलना है क्या नहीं। लाइटें बहुत ऑसम लग रही है ना। तो गाइस, ये रहा हमारा बैकपैक, ब्लैक नाइट बैकपैक विद डेविल आईज। तो चलिए मैं आपको इसका हैंड ऑन थोड़ा ट्यूटोरियल सा दे देता हूँ। तो ये सामने बैग है, प्रीमियम लुक है इसकी बहुत ही ज़्यादा, और आपको मैंने फ्रंट से दिखाया, तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी प्रीमियम है। अभी मैं गोप्रो में ये वीडियो बना रहा हूँ, और पीछे से आपको आपको यहाँ पर कुछ बकल्स मिल जाते हैं बाइक राइडिंग के लिए, तो ये दो तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ये वाला बकल तो बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसे ओपन करते हैं, तो आपको इसका अच्छा व्यू आएगा, फर्स्ट पर्सन व्यू। तो ये इसका शेल है, जो हार्ड शेल है, और ये आ गया इसका स्पेस जिसमें आप सामान वगैरह, जिप हो गई, और दो पॉकेट्स यहाँ पर है रख सकते हैं। तो ये था इसका बैग का इनसाइड से व्यू। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि एप्लीकेशन से इसे कैसे ऑपरेट करना है। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो लगती है
loyi, तो ये लॉय आई एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर में सर्च कर लेनी है। तो जब आप इसे खोलेंगे तो आपको इसे ब्लूटूथ से अटैच करना है सबसे पहले। उसके लिए आप जो है ये स्कैन कर सकते हैं, इसमें एक ऐप आती है कि आपको ये स्कैन करना है, तो ये बारकोड आपने स्कैन कर लेना है, ऑटोमेटिकली उसे लॉगिन कर देगा ब्लूटूथ में जाके। तो अभी मैंने इसे ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं जो इस पे चल रहा है सेम वहाँ पे चल रहा है। तो अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो हार्ट आ जाएगा, इस पे आ जाऊँ तो आइज़ ये वाली रेड वाली आ जाएगी, ये आ जाएंगे तो ये आइज़ आ जाएंगी फिर से, और ये आग सी आ जाएगी विंग्स की तरह। तो जहाँ आप जो जो आप पैटर्न चाहें वो आप इस पे लगा सकते हैं, और इसमें आप ये भी क्लिक कर सकते हैं इधर उधर, और लूप पे प्लेबैक लगा लीजिए। जैसे लूप प्लेबैक लग गया है तो अब ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, अगर आप बाइक पे राइड कर रहे हैं तो अलग अलग होते रहेंगे चेंज धीरे धीरे। अब इसमें आप कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे DIY में जाना है, जैसे मैंने एक बनाया था ये देखिए निंजा 400, मैं आपको बना के भी दिखाऊँगा। और जैसे मैंने एक ये बनाया टॉर्क मोटो व्लॉग्स NZ, तो चलिए एक नया बनाते हैं। टेक्स्ट बनाया है या फ़ोटो लगानी है, तो पहले टेक्स्ट पे जाते हैं। तो टेक्स्ट में जाके मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये हमने लिख दिया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये तो हो गया टेक्स्ट का कलर, वो मुझे लगाना है। जैसे मान लीजिए मैंने रख लिया नीला, पिंक रखते हैं। और बैकग्राउंड का कलर इसमें से मैं कुछ भी चूज़ करूँगा, मान लीजिए ब्लैक आ गया ना, पिंक और बैकग्राउंड ब्लैक, कंफर्म कर देना। तो ये कस्टमाइज़ हो गया, अभी यहाँ लग गया और वहाँ भी देखिए आपको ऐसे चलने लगा। तो ऐसे आपको इसे सिंपली इस पे लगा लेना है। अब इस पे फ़ोटो लगा के दिखा दें, कोई फ़ोटो जैसे अब मुझे इसमें लगानी है तो गैलरी में से लेफ़्ट पे लगानी है, लेफ़्ट लगाऊँगा ये, ये ठीक है। अब मैंने दो फोटोज़ यहाँ पे सेलेक्ट किए तो मैंने ये अपलोड कर दी। अगर आप पास में से बैठ के देखेंगे ना तो फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पिक्सल ये बहुत बड़े हैं, तो दूर से देखने पे अच्छे लग रहे हैं। अब पता नहीं GoPro में अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, पर पास से मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। जैसे ये बाइक वाली मैंने लगाई थी और ये मेरी खुद की बैग पकड़े हुए थी, तो फ़ोटो भी लग जाती है। जो अगर आप कम से कम अगर 5-10 मीटर की दूरी से देखेंगे तो ये अच्छी दिखेगी, पर अगर क्लोज बहुत जैसे विद इन 500 mm हाफ ऑफ अ मीटर में बैठा हूँ तो मुझे ये थोड़ी पिक्सल बड़े हैं तो उसके अच्छी नहीं लग रही है और क्लियर भी नहीं दिख रही है। अब ये फ़ोटो होगी, फिर से मैंने आइज़ लगा दी है। अब यहाँ से बैक आ जाना है तो एप्लीकेशन, ये प्रीटी मच एप्लीकेशन है। मटेरियल इस पर आप जाइए, इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी हैं, जैसे ही आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन आइज़ ये भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो आप सेलेक्ट जो जो सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे हटते जाएंगे, क्योंकि आप इसमें लिमिटेड ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए नए वाले आ गए हैं काफ़ी, ये वाला देखिए। तो जब मैंने इसे फर्स्ट स्टार्ट किया था तो इसने कुछ डाउनलोड भी करे थे, तो ऑब्वियसली इसमें नए अपलोड हुए हैं अब, तो ये सब नए चलते जाएंगे। तो काफ़ी हो गए हैं, आपको नए वाले मैंने दिखाए। ये देखिए वो साइकिल चला रहा है, और ये मून पे, ये वाला अच्छा लगा मुझे काफ़ी, थोड़ा क्लोज से भी क्लियर दिख रहा है तो दूर से बहुत क्लियर दिखेगा। और आप ये वाला देखिए फ्लावर्स, और ये वाला देखिए साइकिल, ये तो पहले भी लगाया था, ये पैकमैन आ गया, पैकमैन जो हम गेम खेलते थे। और ये आइज़ है, ये ग्रीन वाली भी अच्छी आ रही है, मतलब दूर से निंजा पे ये वाली लगाओ एकदम बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल आइज़ थी वो। ये वाली देखिए कलरफुल। तो ये है प्रिटी मच बैग, बहुत ही अच्छा है, आई कैचिंग है। आप सड़क पे जाएंगे जब रात को स्पेशली तो ऑब्वियसली आई कैचिंग है, अगर कोई इसे देखता है तो वो ज़रूर एक दो बार मुड़ के देखेगा भी ये क्या चीज़ है। नया प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर लेटेस्ट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बैग और इसीलिए मैंने बाय किया, और अभी इसको मैं यूज़ करूँगा। इसके साथ कुछ रील्स भी बनाएंगे अपनी बाइक पर बैठ के,
पर उसके लिए एक राइडर चाहिए होगा मुझे, को राइडर मिस्टर अजय, जो मेरी वीडियो को बनाए मेरे लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करिए, हम कुछ रील्स बनाएंगे इसके ऊपर। तो ये था इसका ट्यूटोरियल कैसे चलाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ 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 चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी जो वीडियोज़ है आप देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं लगती तो इट्स ओके। पर थैंक यू, आप चैनल पे आए, आपने इस वीडियो को देखा। और ये मैंने GoPro पे 4K में सबके लिए वीडियो बनाई है, ताकि क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ चेक की, किसी ने इतना फर्स्ट पर्सन व्यू से नहीं बना रखी, दूर दूर से ही बैग को दिखा रहे हैं। तो ये बैग का पूरा आपको व्यू इसमें मिल जाएगा अच्छे से। और हाँ, मैंने ये पावर से लगा रखा है, मैंने ये एक्चुअली पावर बैंक से नहीं लगाया, क्योंकि मेरा पावर बैंक ख़राब है, इसीलिए मैंने सीधा इसकी पावर को एडाप्टर में प्लग करके ऑन कर लिया। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो ख़रीदिए, इंडिया में अराउंड 13,000 रुपीज़ का है। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो नई रील के साथ।